कैलिबर का क्वेश्चन है तो चार मिनट दे दूंगा बट अगर मुझे अभी तक क्वेश्चन के बारे में कुछ समझ में नहीं आया और दो से मिनट से ज्यादा ऊपर हो गए छोड़ देंगे दूसरा हम स्विचिंग ऑफ सब्जेक्ट्स ज्यादा ओपनली नहीं करेंगे हमने एक टाइम सेट करा है कि हम थर्टी से फोर्टी मिनट्स केमिस्ट्री को देंगे फिजिक्स को वन आर फिर मैथ्स को वन आवर इनिशियल लेवल पे हम उसी पे स्टिक करेंगे ऐसा नहीं करेंगे कि पांच क्वेश्चन अगर फिजिक्स से लगातार नहीं हुए तो मैथ्स पे भाग गए डू नॉट डू दिस बट थर्ड इंपॉर्टेंट स्टेप अगर मान लीजिए आपसे पहले पांच क्वेश्चन पेपर में सॉल्व नहीं होते हैं तो ये देर नहीं, नहीं लगेगा, बट इंटरनली अपने माइंड को याद दिलाइए इट्स मेन एग्जामिनेशन सो जेई मेन के एग्जामिनेशन में आसान क्वेश्चन और मीडियम क्वेश्चन 70 टू 80 परसेंट कंप्राइज कर सकते हैं और आपका हो सकता है जो पहले पांच क्वेश्चन थे देवर दी डिफिकल्ट पार्ट ऑफ पेपर सो रेस्ट क्वेश्चन वुड बी इजी और मीडियम कैटेगरी सो बांध के रखिए अपने आप को घबराने की जरूरत नहीं है ये yes, फोर्थ आप अपने सब्जेक्ट में अगर आपने फ्रिक्स से स्टार्ट करा तो आप मान के चलिए आप उन उन क्वेश्चंस को पहले अटेम्प्ट करिए फ्रिक्स के अंदर जो आपके प्रेफर्ड चैप्टर से हैं जो प्रिपेयर्ड चैप्टर से हैं और अगर वो काम 40 मिनट में हो जाता है तो अब आप बचे 15 मिनट में जो हमने फ्रिक्स के लिए 60 मिनट्स डिवोट करे थे वो वापस से उसको जाके जरूर दीजिए

बेसिक सी थर्टी सेकेंड की ब्रेक लीजिएगा जिसमें आप हेड डाउन अगर अलाउड हो तो करिए और क्लोज आईज़ करके फाइव डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है फाइव टाइम्स इन एंड आउट उस समय पेपर के बारे में नहीं सोचना है सिमिलरली टेक दैट ब्रेक एट वन फोर्टी दैट इज आफ्टर फोर्टी मिनट्स एंड वन अनदर ब्रेक आफ्टर फोर्टी मिनट दैट इज टू आर ट्वेंटी मिनट बिलीव मी दिस पर्टिकुलर ट्रिप इज गोइंग टू बी लाइक डूइंग वंडर्स फॉर यू उस टिप थर्टी सेकेंड में आपको सिर्फ अपने अंदर पॉजिटिव एनर्जी लानी है कि मैंने पिछले एक महीने में बहुत मेहनत मारी है मेरे साथ गलत नहीं होगा और अगर अभी भी मेरा पेपर अच्छा नहीं हुआ है देन आई स्टिल हैव टाइम इवन इफ टू टू आवर्स ट्वेंटी मिनट वाली ब्रेक पे भी हम बात करें तो हमें पॉजिटिव क्या सोचना है स्टिल हैव मिनट्स लेफ्ट टू कंकर दिस पेपर दैट इज हाउ यू हैव टू स्टार्ट थिंकिंग मेक श्योर लास्ट टिप वेरी इंपॉर्टेंट आप टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ लास्ट के बीस मिनट मार्क फॉर रिव्यू वाले जो क्वेश्चन है उनके लिए जरूर बचाएं उससे कॉन्फिडेंस

वो क्वेश्चंस को एलिमिनेट करना जो आपको नहीं करने हैं सॉल्व दैट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट इन द एग्जाम बिकॉज दैट इज गोइंग टू टू सेव टाइम टाइम एंड दैट यू यू कैन कैन गिव एक्चुअली सॉल्व ये बेसिक फंडामेंटल्स आप फॉलो करके जाइए पेपर हंड्रेड अच्छा होगा आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसी हिसाब से जाएगा बिलीव मी दिस हैज वर्क फॉर ईच एंड एवरी स्टूडेंट दैट आई हैव टोल्ड इट टू और बहुत सारे हजारों बच्चे इसकी अच्छी एप्लीकेशन के साथ बहुत बढ़िया बढ़िया रैंक्स लेके आए हैं एंड आई बिलीव द सेम विल हैपन फॉर यू इफ यू अप्लाई देम इन द करेक्ट वे गॉड ब्लेस यू ऑल ऑल द बेस्ट विशेज फॉर योर एग्जाम टूमोरो एंड आई बिलीव ऑल ऑफ यू गेट योर डिजर्व परसेंटाइल इन योर पर्टिकुलर सेशन बेस्ट से